हाय बच्चों, वेलकम टू पेपर हैकर यूट्यूब चैनल। अब हम लोग जो है पढ़ने जा रहे हैं बीए पार्ट वन सेमेस्टर सेकंड का सब्जेक्ट शिक्षा। बीए पार्ट वन सेमेस्टर सब्जेक्ट का जो है शिक्षा सब्जेक्ट पढ़ेंगे हम लोग। इसमें पढ़ेंगे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पढ़ेंगे बच्चों, ठीक है। तो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन ये जो है बच्चों, ये VVI है। ये जो है ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन जो है बच्चों, ये VVI है। VVI वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये आना ही आना है, कंपलसरी भी है, ठीक है। ये कंपलसरी है, ठीक है। तो इसको पढ़ना पढ़ना है, ठीक है। तो VVI क्वेश्चन कंपलसरी है, ठीक है बच्चों। तो हम लोग ये पढ़ेंगे कि आगे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन कैसे कर रहे हैं, कैसे दे रहे हैं, कैसे देख रहे हैं और किस टाइप का है। और बहुत अच्छा टॉपिक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है और ये आएगा ही आएगा, इसलिए इसको ध्यान से देखिए और बने रहिए वीडियो में, लास्ट तक देखते रहिए। और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे इसका PDF है, वहाँ से वह डाउनलोड कर सकते हैं या साइट पे जाके वहाँ से आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। तो बने रहिए वीडियो में, देखते रहिए लास्ट तक। देखिए यहाँ, स्वतंत्रता के बाद भारत में सर्वप्रथम किस आयोग की नियुक्ति की गई। स्वतंत्रता के बाद किस आयोग की नियुक्ति की गई थी। हंटर आयोग, राधा कृष्णन आयोग, कोठारी आयोग, मुदालियर आयोग। तो राधा कृष्णन आयोग की स्थापना की गई थी स्वतंत्रता के बाद बच्चों, ठीक है। तो विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग का गठन सरकार ने कब किया था। विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग का जो गठन हुआ था वो सरकार ने कब किया था। 1948 में, 1949 में, 1952 में, 1953 में। विश्वविद्यालय आयोग का गठन जो है सरकार ने कब किया था, 1948 में किया था, ठीक है। अब देखिए यहाँ थर्ड नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है बच्चों, थर्ड नंबर क्वेश्चन क्या है, ध्यान दीजिएगा। विश्वविद्यालय आयोग में अध्यक्ष डॉक्टर राधा कृष्णन के अतिरिक्त कितने सदस्य थे। 9 सदस्य थे, 10 सदस्य थे, 12 सदस्य थे, 18 सदस्य थे। विश्वविद्यालय आयोग में डॉक्टर राधा कृष्णन के अतिरिक्त जो थे कितने सदस्य थे, तो वो जो सदस्य थे वो कितने सदस्य थे, गेस करके बताइए, आप सोचिए। और आंसर हम जो है अब बताने जा रहे हैं, 9 सदस्य थे बच्चों। आयोग के अध्यक्ष राधा कृष्णन के अतिरिक्त सदस्य थे 9। डॉक्टर राधा कृष्णन अध्यक्ष थे विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग के, शिक्षा आयोग के, हटरांग कमेटी के, माध्यमिक शिक्षा आयोग के। दे कृष्णन अध्यक्ष थे तो किस आयोग के थे, तो विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग के अध्यक्ष थे, ठीक है बच्चों। विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग ने अपना प्रतिवेदन कब प्रस्तुत किया। 20 जुलाई 1949 को, 25 अगस्त 1949 को, 14 नवंबर 1952 को और 14 नवंबर 1953 को। विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग ने अपना प्रतिवेदन जो प्रस्तुत किया वो कब प्रस्तुत किया, बता सकते हैं कोई। 25 अगस्त 1949 को जो है वो अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत किया, ठीक है। 6 नंबर देखिए बच्चों, 6 नंबर क्या कह रहा है। ग्रामीण विश्वविद्यालयों की स्थापना का सुझाव किस आयोग ने दिया। विश्वविद्यालय आयोग ने, माध्यमिक शिक्षा आयोग ने, कोठारी आयोग ने, सैडलर आयोग ने। बताइए ग्रामीण विश्वविद्यालयों की स्थापना का सुझाव किस आयोग ने दिया था, तो 6 नंबर जो है वो विश्वविद्यालय आयोग ने दिया था। किस आयोग ने दिया था, विश्वविद्यालय आयोग। स्वतंत्रता के बाद उच्च शिक्षा में सुधार के लिए नियुक्त किया गया राधा कृष्णन आयोग, मुदालियर आयोग, कोठारी आयोग, हंटर आयोग। स्वतंत्रता के बाद शिक्षा में सुधार के लिए नियुक्त किया गया कौन सा आयोग नियुक्त किया गया भाई, जो राधा कृष्णन आयोग। राधा कृष्णन आयोग जो है स्वतंत्रता के बाद नियुक्त किया गया। मुदालियर आयोग की नियुक्ति हुई थी सन 1949 में, 1950 में, 52 में कि 1964 में। मुदालियर आयोग की जो नियुक्ति हुई थी वो कब हुई थी, 1952 में। 1952 में जो है मुदालियर आयोग की नियुक्ति हुई थी। माध्यमिक शिक्षा आयोग के अध्यक्ष थे एस राधा कृष्णन, डॉक्टर लक्ष्मण स्वामी मुदालियर और DDS कोठारी और डॉक्टर विलियम हंटर। बताइए माध्यमिक शिक्षा आयोग के अध्यक्ष जो थे वो कौन थे, लक्ष्मण स्वामी मुदालियर जो थे वो अध्यक्ष थे। आगे देखते हैं बच्चों, 10 नंबर क्वेश्चन क्या है। मुदालियर आयोग का कार्य क्षेत्र था, मुदालियर आयोग का जो कार्य क्षेत्र था वो पूछ रहा है कि कार्य क्षेत्र क्या था। प्राथमिक शिक्षा थी, स्त्री शिक्षा थी, तकनीकी शिक्षा थी कि माध्यमिक शिक्षा थी। मुदालियर आयोग का कार्य क्षेत्र जो था वो कौन सा था कि माध्यमिक शिक्षा थी,
माध्यमिक शिक्षा, ठीक है। माध्यमिक शिक्षा आयोग ने माध्यमिक शिक्षा को कितने भागों में विभाजित किया? माध्यमिक शिक्षा आयोग ने जो है माध्यमिक शिक्षा को कितने भागों में विभाजित किया? 2, 5, 6, 7। माध्यमिक शिक्षा आयोग ने माध्यमिक शिक्षा को कितने भागों में विभाजित किया? तो 11 नंबर का जो हो जाएगा बच्चों, क्या हो जाएगा? तो 7 नंबर जो हो जाएगा, ये कितने भागों में? 7 भागों में विभाजित किया था। कोठारी आयोग गठित किया गया था, कोठारी आयोग जो है वो गठित किया गया, कब गठित किया गया? 1964 में, 1966 में, 1952 में, 1953 में। तो 1964 में कोठारी आयोग गठन किया गया था, ठीक है बच्चों। 1964 में जो है कोठारी आयोग का गठन किया गया था। 13 नंबर देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन, कि भारत में शिक्षा संरचना का प्रारूप, या शिक्षा संरचना का प्रारूप 10+2+3 किस आयोग ने प्रतिपादित किया था? हंटर आयोग, राधा कृष्णन आयोग, कोठारी आयोग, मुदालियर आयोग। तो ये जो है हंटर आयोग ने प्रतिपादित किया था, 10+2+3 का जो है हंटर आयोग ने प्रतिपादित किया था, ठीक है। शिक्षा आयोग 1994 से 1966 के अध्यक्ष थे एस राधा कृष्णन, डॉक्टर डी एस कोठारी, डॉक्टर ए लक्ष्मण स्वामी मुदालियर और पंडित जवाहरलाल नेहरू। कौन थे? 14 नंबर क्या होगा बताइए? डॉक्टर डी एस कोठारी जो थे वो अध्यक्ष थे, 1994 से 1966 के अध्यक्ष थे शिक्षा आयोग के, डॉक्टर डी एस कोठारी। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय के विकास का सुझाव दिया गया, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय के विकास का सुझाव दिया गया। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1968 द्वारा, नई शिक्षा नीति 1986 द्वारा, और शिक्षा नीति 1979 द्वारा, और शिक्षा नीति 1992 द्वारा। कौन शिक्षा नीति द्वारा किया गया बताइए बच्चों, ध्यान देने वाला क्वेश्चन है। तो नई शिक्षा नीति 1986 के द्वारा जो है ये विकास का सुझाव दिया गया, ठीक है बच्चों। शिक्षा नीति 1992 किस शिक्षा नीति का संशोधित प्रारूप है? शिक्षा नीति 1992 जो है किस शिक्षा नीति का संशोधित प्रारूप है? शिक्षा नीति 1967 का, शिक्षा नीति 1979 का, नई शिक्षा नीति 1986 का, बेसिक शिक्षा का। बताइए 16 नंबर जो है बच्चों क्या होगा? वो होगा नई शिक्षा नीति 1986 का जो है वो प्रारूप था। शिक्षा नीति 1992 शिक्षा नीति संशोधित प्रारूप था, नई शिक्षा नीति 1986 का। स्वतंत्र भारत में इतिहास में कुल कितने आयोग का गठन किया गया है? 4, 5, 3, 8। स्वतंत्र भारत के इतिहास में कुल कितने आयोग का गठन किया गया है? तो वो कितने आयोग का गठन किया गया है बच्चों? तो वो किया गया है 3 आयोग का गठन किया गया, 3। स्वतंत्र भारत के इतिहास में कुल कितने आयोग का गठन किया गया है? 3, ठीक है। आगे देखिए, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 किसकी अध्यक्षता में बनी? राम मूर्ति की अध्यक्षता में बनी, डॉक्टर राधा कृष्णन की अध्यक्षता में बनी, के कस्तूरी रंगनाथन की बनी, श्री नरेंद्र मोदी। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 जो है बताइए किसके शिक्षा नीति में बनी? डॉक्टर के कस्तूरी रंगनाथन के शिक्षा नीति में बनी, ठीक है। भारतीय शिक्षा के इतिहास में कितनी बार शिक्षा नीतियों का निर्माण किया गया? भारतीय शिक्षा के इतिहास में जो है कितनी बार जो है शिक्षा नीति का निर्माण किया गया? 4 बार, 3 बार, 2 बार, 5 बार। बताइए कितनी बार किया गया है? तो 2 बार किया गया है बच्चों। कितनी बार किया गया है? 2 बार। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में शिक्षा का शैक्षिक ढांचा क्या था? ठीक है, शैक्षिक ढांचा पूछ रहा है। 10+2+3, 10+3+3+3, 5+3+3+4 और 10+3+4। तो क्या था, कौन शिक्षा नीति का शैक्षिक ढांचा क्या था बताइए? तो 5+3+3+4 था, ये था बच्चों, ठीक है। आगे देखते हैं 21 नंबर क्वेश्चन बच्चों। 21 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020
राष्ट्र के लिए कब समर्पित की गई? 29 जुलाई 1968 को, 29 जुलाई 2021 को, 29 जुलाई 1986 को और 29 जुलाई 2020 को। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 जो है राष्ट्र के लिए कब समर्पित की गई थी, यही पूछ रहा है। तो 21 नंबर जो क्वेश्चन हो जाएगा बच्चों, 29 जुलाई 2020 को जो है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 राष्ट्र के लिए समर्पित की गई थी, 29 जुलाई 2020 को। वर्तमान में मानव संसाधन विकास मंत्रालय का क्या नाम रखा गया है? वर्तमान में मानव संसाधन विकास मंत्रालय, उसको चेंज करके क्या नाम रखा गया है? शहरी विकास मंत्रालय, मानव विकास मंत्रालय, शिक्षा मंत्रालय, खेल मंत्रालय, क्या नाम रखा गया बताइए? 22 नंबर जो है वो शिक्षा मंत्रालय नाम रखा गया है, शिक्षा मंत्रालय। संसाधन विकास मंत्रालय क्या नाम रखा गया है? शिक्षा मंत्रालय, ठीक है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में देश की जीडीपी का कितना प्रतिशत शिक्षा पर खर्च करने का लक्ष्य रखा गया? राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो है 2020 में जो है देश की जीडीपी पर कितना प्रतिशत शिक्षा पर खर्च करने का लक्ष्य रखा गया है? 6%, 10%, 4%, 15%। बताइए शिक्षा नीति 2020 पर देश की जीडीपी का कितना प्रतिशत खर्च करने का लक्ष्य रखा गया है? तो 23 नंबर जो हो जाएगा बच्चों वो क्या हो जाएगा, इसका जो है 6% शिक्षा पर खर्च करने का लक्ष्य रखा गया, ठीक है। 24 नंबर देखिए क्या होगा, 24 नंबर, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में व्यावसायिक शिक्षा किस कक्षा से शुरू हुई? व्यावसायिक शिक्षा किस कक्षा से शुरू की गई? 12वीं कक्षा से, कक्षा 6 से, कक्षा 10 से, स्नातक स्तर से। शिक्षा नीति 2020 के व्यावसायिक शिक्षा किस शिक्षा से कक्षा से शुरू की गई थी? तो वो जो शुरू की गई थी बच्चों कक्षा 6 से शुरू की गई थी, इससे कक्षा 6 से। नवोदय विद्यालय किस शिक्षा नीति की देन है बताइए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। नवोदय विद्यालय जो है वो कौन सी शिक्षा नीति का जो है वो देन है? 1986 की राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 1972 की शिक्षा नीति, 2020 शिक्षा नीति, 1968 शिक्षा नीति। तो नवोदय विद्यालय जो है 1986 के राष्ट्रीय शिक्षा नीति की देन है, ठीक है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को लागू करने वाला पहला राष्ट्र कौन है? कर्नाटक, केरल, महाराष्ट्र, उत्तराखंड, बताइए। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 जो है लागू करने वाला पहला राष्ट्र कौन है? कर्नाटक है कि केरल है कि महाराष्ट्र है कि उत्तराखंड है, बताइए क्या होगा? 26 नंबर जो है कर्नाटक होगा बच्चों, ठीक है। अब देखिए नीचे ध्यान दीजिए, शिक्षा नीति 2020 में 10+2 पैटर्न के स्थान पर कौन सा शैक्षिक ढांचा लागू किया गया? शिक्षा नीति 2020 में 10+2 पैटर्न के स्थान पर कौन सा शैक्षिक ढांचा लागू किया गया? 5+3+2+2, 10+2+3, 5+3+4, 5+3+3+4, कौन शिक्षा नीति का लागू किया गया बताइए? तो इसमें जो किया गया वो बच्चों 5+3+3+4 का शिक्षा नीति का उपयोग किया गया, ठीक है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में उच्च शिक्षा स्तर पर कौन सी डिग्री समाप्त कर दी गई? राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो थी 2020 में उच्च शिक्षा स्तर पर वो कौन सी जो डिग्री थी वो समाप्त कर दी गई थी? एमए, बीएससी, एमफिल, एमए। 2020 में उच्च शिक्षा स्तर पर कौन सी डिग्री समाप्त कर दी गई, बहुत अच्छा क्वेश्चन है बताइए। एमफिल, एमफिल जो थी ये डिग्री समाप्त कर दी गई। और ये लास्ट क्वेश्चन था बच्चों, ठीक है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में शिक्षा स्तर पर कौन सी डिग्री समाप्त की, बहुत अच्छा क्वेश्चन था ये पूछेगा और वीवीआई क्वेश्चन था, ठीक है। तो इसको ध्यान दीजिएगा, तो एमफिल जो डिग्री थी वो समाप्त कर दी गई। वीडियो अच्छा लगे लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक्स फॉर वेरी। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका जो है दिया हुआ है पीडीएफ फाइल, वहां से आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं या साइट पर जाके वहां से आप लोग पीडीएफ फाइल इसका डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। थैंक यू वेरी मच। हाय बच्चों, वेलकम टू पेपर हैकर यूट्यूब चैनल। अब हम लोग करने जा रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, वस्तुनिष्ठ प्रश्न, ठीक है। तो ये जो हो जाएगा बीए पार्ट वन
सेमेस्टर सेकंड का सब्जेक्ट जो है वो क्या हो जाएगा बच्चों, शिक्षा, शिक्षा सब्जेक्ट हो जाएगा। और ये जो क्वेश्चन चल रहा है बच्चों ऑब्जेक्टिव टाइप का, ये वीवीआई क्वेश्चन है, ये हमेशा पूछता ही पूछता है, कंपलसरी है, ठीक है। तो ये पूछना ही पूछना है। और जितने मैंने सब्जेक्टिव लॉन्ग टाइप आंसर क्वेश्चन और शॉर्ट टाइप आंसर क्वेश्चन कराए हुए हैं, उन सबको अगर आप अच्छे से किए होंगे तो ये बहुत ईजी हैं। और ध्यान से देखिएगा वीडियो में, लास्ट तक बने रहिएगा। और एक बात और, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पीडीएफ फाइल दिया हुआ है, वहाँ से आप लोग डिटेल्स डाउनलोड कर सकते हैं, और नहीं तो साइट पे जा सके, वहाँ से भी पीडीएफ फाइल इसका डाउनलोड कर सकते हैं। तो ठीक है, वीडियो में लास्ट तक बने रहिए, देखते रहिए, और बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा टॉपिक है, ठीक है। तो ये ध्यान दीजिए, फर्स्ट नंबर क्वेश्चन देखिए, वस्तुनिष्ठ प्रश्न का फर्स्ट नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है बच्चों, भारत में आधुनिक शिक्षा के जन्मदाता कौन थे, आधुनिक शिक्षा के जो जन्मदाता थे वो कौन थे, यहाँ पूछ रहा है, ठीक है। तो लॉर्ड मैकॉले, लॉर्ड मिंटो, चार्ल्स ग्रांट, वॉरेन हेस्टिंग। तो आधुनिक शिक्षा के जन्मदाता जो थे वो कौन थे, बताइए, गेस करके बताइए क्या होगा। चार्ल्स ग्रांट, चार्ल्स ग्रांट जो थे वो आधुनिक शिक्षा के जन्मदाता थे, ठीक है। अब नेक्स्ट देखिए, पूर्व प्राथमिक शिक्षा के जनक हैं, पूर्व प्राथमिक शिक्षा के जनक हैं कौन है बच्चों, बताइए। अ नंबर महात्मा गांधी, प नंबर फ्रोबेल, स नंबर रूसो, और द नंबर प्लेटो। तो कौन है प्राथमिक शिक्षा के जनक, बताइए, प्राथमिक शिक्षा के जो जनक हैं वो कौन है, फ्रोबेल, फ्रोबेल जो है वो प्राथमिक शिक्षा के जनक माने जाते हैं, कौन, फ्रोबेल। थर्ड नंबर क्वेश्चन देखिए बच्चों क्या कर रहा है, आंगनबाड़ी बालवाड़ी, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आंगनबाड़ी बालवाड़ी किस शिक्षा के स्तर से संबंधित है, आंगनबाड़ी में कौन से बच्चे पढ़ते हैं, बताइए, छोटे छोटे बच्चे पढ़ते हैं जो स्कूल जाने लायक नहीं रहते हैं, बैठने सीखते हैं वहाँ। ये सरकार द्वारा निकाली गई एक पद्धति है जो 10-20 सालों से चल रही है, ठीक है, 20 साल से ऊपर से ही चल रही है, ठीक है। तो वो हो जाएगा प्राथमिक शिक्षा है कि पूर्व प्राथमिक शिक्षा है कि माध्यमिक शिक्षा है कि व्यावसायिक शिक्षा है, बताइए क्या होगा, बता सकते हैं आप लोग। थर्ड नंबर क्वेश्चन जो है, ये प्राथमिक शिक्षा ग्रहण करने के पूर्व जो शिक्षा ग्रहण की जाती है उसको बोलते हैं आंगनबाड़ी बालवाड़ी, पूर्व प्राथमिक शिक्षा है बच्चों, कौन है, पूर्व प्राथमिक शिक्षा, समझ में आ रहा है क्वेश्चन देख के ही इसको, ठीक है। तो अब देखिए फोर्थ नंबर क्वेश्चन क्या है, भारत में पूर्व प्राथमिक विद्यालयों का श्रेय है, क्या श्रेय है उनका, ये पूछ रहा है, ईसाई मिशनरी को, गांधी जी के को, गोपाल कृष्ण गोखले को, नेहरू जी को। तो पूर्व प्राथमिक विद्यालय का श्रेय जो है वो किसे प्राप्त है, तो ये जो प्राप्त है वो किसको प्राप्त है, गोपाल कृष्ण गोखले को। पिछले वीडियो में मैंने ये क्वेश्चन करा चुका है और बहुत बार पूछ चुका है गोपाल कृष्ण गोखले से रिलेटेड, तो ये समझिएगा अच्छा क्वेश्चन है, पूछेगा ही। तो पूर्व प्राथमिक विद्यालय का श्रेय जो है वो गोपाल कृष्ण गोखले को है, ठीक है, ये शुरू किए थे। शिक्षा को संविधान सभा ने, है बच्चों, तो पीछे हम थोड़ा सा चल चलते हैं, तो फर्स्ट नंबर क्वेश्चन पे, फर्स्ट नंबर क्वेश्चन जो है बच्चों, भारत में आधुनिक शिक्षा के जन्मदाता थे, हमने पढ़ाया था आप लोग को गांट, ये जो है गलत है, ग्रांट नहीं होगा, ठीक है, मैंने सर्च किया देखा तो वो जो है मैकॉले ही होगा, यहाँ डाउटफुल क्वेश्चन था ये, तो ये मैकॉले होगा, आप लोग करेक्शन कर लीजिएगा, देख लीजिएगा, ठीक है। तो ये मैकॉले होगा, ग्रांट नहीं होगा, आधुनिक शिक्षा के जो जन्मदाता थे भारत में वो लॉर्ड मैकॉले थे, अ नंबर ऑप्शन होगा, स गलत था, ठीक है। तो आगे चलते हैं, देखते हैं वीडियो में, बने रहिए। तो हम क्वेश्चन जो है कहाँ तक करा चुके थे बच्चों, तो ये जो है हम क्वेश्चन करा चुके थे यहाँ पे, पूर्व प्राथमिक विद्यालयों का श्रेय, फोर्थ नंबर क्वेश्चन करा रहे थे, ठीक है। ये देखिए फोर्थ नंबर क्वेश्चन जो है, भारत में पूर्व प्राथमिक विद्यालयों का श्रेय जो है ईसाई मिशनरी, गांधी जी के को, गोपाल कृष्ण गोखले को, कि नेहरू जी को। तो ये पूर्व प्राथमिक विद्यालयों का श्रेय जो गोपाल कृष्ण गोखले को, पिछले वीडियो में मैंने वीडियो में करा हुआ था, फिर से रिपीट कर दिया। अब आगे देखिए, शिक्षा को संविधान सभा ने संविधान किस वर्ष स्वीकृति दी, फिर से क्वेश्चन रिपीट करते हैं बच्चों कि शिक्षा को जो है संविधान सभा ने संविधान में किस वर्ष स्वीकृति दी, 46 में, 48 में, 49 में, 50 में, बताइए। शिक्षा को जो है संविधान सभा ने किस वर्ष स्वीकृति दी हुई है, तो ये जो है
49 में स्वीकृति दी है। किस वर्ष संविधान सभा ने स्वीकृति दी हुई है? 49 में दी हुई है। किंडरगार्टन स्कूल का संबंध किस शिक्षा से है? ये तो क्वेश्चन देख के ही समझ में आ रहा होगा, इजी सा है। किंडरगार्टन स्कूल का संबंध किस शिक्षा से है? ठीक है, और नंबर ऑप्शन क्या होगा? पूर्व प्राथमिक शिक्षा से, ब शिशु का शिक्षा से, प्राथमिक शिक्षा से, प्रौढ़ शिक्षा से। बताइए क्या होगा? पूर्व प्राथमिक शिक्षा से बच्चों जो है ये किंडरगार्टन स्कूल का संबंध है। देखिए 7 नंबर क्वेश्चन देखिए, पूर्व प्राथमिक शिक्षा के लिए जो है आंगनबाड़ी जो है वह बालवाड़ी किसके द्वारा संचालित किया गया होता है? बताइए पूर्व प्राथमिक शिक्षा के लिए आंगनबाड़ी व बालवाड़ी जो है किसके द्वारा संचालित होता है? राज्य सरकार द्वारा, केंद्र सरकार द्वारा, स्थानीय प्रशासन द्वारा, उपयुक्त किसी के द्वारा नहीं। बताइए, कॉमन सेंस की बात है कि राज्य पूर्व प्राथमिक आंगनबाड़ी व बालवाड़ी जो है राज्य सरकार के द्वारा ही चालू किया संचालित किया जाता है। ठीक है, पूर्व प्राथमिक शिक्षा का आशय किस आयु वर्ग की शिक्षा से है? किस आयु वर्ग की? आयु भी निर्धारित किया गया है बच्चों, जो प्राथमिक शिक्षा का दिया गया है इसमें कुछ आयु भी निर्धारित किया गया है कि वो जो है कितने से कितने वर्ष के बच्चों को पूर्व प्राथमिक शिक्षा का ग्रहण कराया जाएगा। ये इसके बाद जो है प्राथमिक शिक्षा ग्रहण कराया, तो 2 से 4 वर्ष के लिए, 3 से 6 वर्ष के लिए, 4 से 7 वर्ष के लिए, 5 से 8 वर्ष के लिए। बताइए क्या होगा? तो ये होगा 3 से 6 वर्ष के लिए होगा बच्चों। ठीक है, तो अब देखते हैं 9 नंबर क्वेश्चन, कौन सी संस्था पूर्व प्राथमिक शिक्षा से संबंधित है? कौन वैसी संस्था जो है वो पूर्व प्राथमिक शिक्षा से संबंधित है? वन स्थली विद्यापीठ, मोंटेसरी स्कूल, मकतब की गुरुकुल। बताइए, मोंटेसरी स्कूल जो है पूर्व प्राथमिक शिक्षा से संबंधित है। ठीक है, 9 नंबर क्वेश्चन था। अब देखते हैं 10 नंबर क्वेश्चन क्या है बच्चों। 10 नंबर क्वेश्चन, किस शिक्षा नीति में पूर्व प्राथमिक शिक्षा पर ज्यादा बल दिया गया है? किस शिक्षा नीति, वो कौन सी शिक्षा नीति बनाई गई है जिसमें जो है पूर्व प्राथमिक शिक्षा पर ज्यादा बल दिया गया? 1986 की शिक्षा नीति, 1968 की शिक्षा नीति, 1972 की शिक्षा नीति, 2020 की शिक्षा नीति। 2020 की शिक्षा नीति जो है इस पर जो है ज्यादा बल दिया गया बच्चों, ध्यान दीजिएगा। 11 नंबर क्वेश्चन देखिए आगे, नेक्स्ट, समेकित बाल विकास योजना ICDS कब प्रारंभ की गई? बताइए, गेस करिए, समेकित बाल विकास पूछ रहा है बच्चों, ये कब प्रारंभ किया गया? अ नंबर 2 अक्टूबर 1975 को, 2 अक्टूबर 1968 को, 2 अक्टूबर 2020 को, और 2 अक्टूबर 1992 को। बताइए समेकित बाल विकास योजना कब शुरू की गई? 2 अक्टूबर 1975 को शुरू की गई बच्चों। ठीक है, पूर्व प्राथमिक शिक्षा के केंद्र हैं, पूर्व प्राथमिक शिक्षा के जो केंद्र हैं वो पूछ रहा है यहाँ पे कि पूर्व प्राथमिक शिक्षा के केंद्र जो हैं कौन कौन हैं? बालवाड़ी, आंगनबाड़ी, क्रैच, उपयुक्त सभी। तो उपयुक्त सभी हो जाएंगे बच्चों, क्या हो जाएंगे? पूर्व प्राथमिक शिक्षा के केंद्र जो हो जाएंगे उपयुक्त सभी हो जाएंगे। 13 नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं, क्या कह रहा है 13 नंबर क्वेश्चन बच्चों, देखिए ध्यान दीजिए, भारत में प्रथम बालवाड़ी कब स्थापित की गई? ईस्वी पूछ रहा है कि प्रथम बालवाड़ी योजना जो है कौन सी ईस्वी में शुरू की गई? 45 में, 1948 में, 1951 में, 1955 में। तो 1945 में शुरू की गई थी बच्चों, जो बालवाड़ी स्थापित की गई थी वो 1945 में शुरू की गई। ठीक है, अब 14 नंबर देखिए, आंगनबाड़ी केंद्र मुख्य रूप से स्थापित किए गए नगरों में, ग्रामीण क्षेत्रों में, मलिन बस्तियों में, जनपदों में। अरे आंगनबाड़ी जो केंद्र स्थापित किए गए थे वो कौन स्थापित किए गए थे? तो मलिन बस्तियों में स्थापित किए गए थे आंगनबाड़ी केंद्र जो स्थापित किए गए थे मुख्य रूप से, वो मलिन बस्तियों में। अब तो हर जगह हो गए हैं आंगनबाड़ी केंद्र, क्या सिटी क्या गांव, हर जगह। 86वां संविधान संशोधन संबंधित है किससे? 86वां संविधान जो संशोधन किया गया है वो किससे संबंधित है ये पूछ रहा है। तो जो है महिला अधिकारों से, सूचना व प्रसार प्रौद्योगिकी से, शिक्षा के मौलिक अधिकार से, वैट से। तो शिक्षा के मौलिक अधिकार से जो है वो 86वां संविधान संशोधन संबंधित है। ठीक है, शिक्षा के मौलिक अधिकार। अब देखिए 16 नंबर क्वेश्चन, प्रथम बालवाड़ी
1945 में स्थापित की गई। प्रथम बालवाड़ी 1945 में स्थापित की गई महात्मा गांधी द्वारा, ताराबाई मोदक द्वारा, गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा, राजीव गांधी द्वारा। प्रथम बालवाड़ी जो है 1945 में शुरू किया गया, वो किसके द्वारा शुरू किया गया? ताराबाई मोदक के द्वारा, ताराबाई मोदक के द्वारा दोस्तों। ठीक है, तो 17 नंबर क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों क्या कर रहा है। आगे देखिए 17 नंबर, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के अंतर्गत प्राथमिक शिक्षा को अनिवार्य व निःशुल्क बनाने के लिए कौन सी योजना चलाई गई? वो कौन सी योजना थी? सर्वोदय योजना, साक्षरता कार्यक्रम, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड, शिक्षा का व्यवसायीकरण, क्या था ये बताइए? राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में जो है, कब? 1986 पूछ रहा है कि कौन सा जो है योजना वो अनिवार्य व निःशुल्क बनाने के लिए योजना चलाई गई थी, कौन सा था? वो था साक्षरता कार्यक्रम था बच्चों, कौन सा था? साक्षरता कार्यक्रम। ठीक है, अगला देखिए 18 नंबर क्वेश्चन, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में 14 वर्ष तक के बालक बालिकाओं के लिए निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था की गई है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों ये, भारतीय संविधान में जो है कौन से अनुच्छेद में ये दिया गया है कि 14 वर्ष तक के बालक और बालिकाओं को निःशुल्क शिक्षा, अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था की गई थी? VVI है, ये पूछेगा ही पूछेगा, ठीक है, हमेशा पूछता है। ये कौन सा अनुच्छेद था? अनुच्छेद 45, अनुच्छेद 40 में, अनुच्छेद 43 में, कि अनुच्छेद 50 में, बताइए कौन सा अनुच्छेद था? तो ये था बच्चों अ नंबर ऑप्शन, अनुच्छेद 45 जो था, ये इसमें जो है क्या किया गया, 14 वर्ष के बाल बालिकाओं को निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा प्रदान किया गया। ठीक है बच्चों, तो ये जो है क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन हो गया, कंप्लीट हो गया, और नेक्स्ट वीडियो में अगले क्वेश्चन के साथ मिलते हैं। इसका PDF फाइल साइट पे जाके या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिया हुआ है, वहाँ से आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक्स फॉर बरेली, वीडियो अच्छा लगे लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, थैंक यू।